वेस्ट इंडीज की टीमें आज फ्लोरिडा में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम अमेरिकी धरती पर पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही है। ये सीरीज अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की तैयारियों का पहला चरण साबित होगी। हालांकि यहां का मौसम ये संकेत दे रहा है कि बारिश लगातार मैच में बाधक बन सकती है और मैच का मजा किरकिरा कर सकती है। BCCI ने मैच से एक दिन पहले स्टेडियम की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें मैदान पर काले बादल गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टेडियम में भारतीय फैंस भी मौजूद हैं। BCCI ने इसे कैप्शन दिया, अभ्यास पर टीम इंडिया। ट्वीट में BCCI ने लिखा, फ्लोरिडा में बादल लेकिन भारतीय फैंस भी। इसके अलावा टीम इंडिया की प्रैक्टिस के दौरान भी बारिश हुई थी जिसकी वजह से खिलाड़ी ने फुटबॉल का मजा लिया था। आज 80% बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बारिश नियमित अंतराल पर आती रहेगी। एक्यूवेदर की मौसम रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से लगातार मैच में बाधा पड़ती रहेगी, इसकी वजह से ओवर भी कम हो सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक हल्की बारिश होने की संभावना है। अब देखना होगा कि आज के मैच में बारिश खलल डाल पाएगी। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर बताइए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।